हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम आज इस हमारी होटल मरकर से अभी चेकआउट कर चुके हैं। हमने लगेज यहीं पे रखा हुआ है। हमारी अगली जो होटल है उसमें चेक इन टाइम दोपहर के 3 बजे के बाद है, तो अभी तो सुबह के बज रहे हैं 10। तो हम लोगों ने लगेज यहाँ ड्रॉप करके हम तैयार होके निकल रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। तो आज हम जाने वाले हैं लॉटरबरुनन, और लॉटरबरुनन से हम सोच रहे हैं कि हम मुरैन और शिलथोन, अगर हुआ तो शिलथोन, ये सब कवर करके हम आएंगे। तो लॉटरबरुनन यहाँ से, हम अभी इंटरलेकन वेस्ट पे है, तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी लॉटरबरुनन की मिल जाती है, और हम चाहें तो इंटरलेकन OST स्टेशन जो है वहाँ पे जाके भी लॉटरबरुनन की ट्रेन पकड़ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से लॉटरबरुनन, तो लॉटरबरुनन से ही आप है ना मुरैन शिलथोन जा पाएंगे। तो उनका वेदर कितना सही रहा है, अच्छी खिली हुई धूप है, खिली हुई धूप है हर जगह, मौसम बहुत अच्छा है। सामने स्टेशन है और बस स्टैंड भी है। तो हम अभी देख रहे हैं कि क्या हम बहुत सारे ऑप्शन से हम बस से भी है ना जा सकते हैं अलग रूट से लॉटरबरुनन, और ट्रेन स्टेशन तो सामने है ही, ट्रेन से भी हम जा सकते हैं। इंटरलेकन OST स्टेशन आए और वहाँ से हम अब जा रहे हैं लॉटरबरुनन। देख सकते हैं आप जैसे, तो 20 मिनट्स की ये ट्रेन जर्नी होगी और हम लॉटरबरुनन उतरेंगे इंटरलेकन OST स्टेशन से। तो हम 20 मिनट में लॉटरबरुनन पहुंचेंगे। और आप ये देखिए, एक मैप आपके लिए मैंने बनाया है व्यूअर्स, आप वीडियो पॉज करके इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लॉटरबरुनन मुरैन और शिलथोन की ट्रिप करनी है तो कैसे करनी है वो इस मैप में अच्छे से मैंने बताई है। तो हम अब लॉटरबरुनन रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और वहां से ये 100 मीटर्स पे ही ग्रसचाल करके एक जगह है, वहाँ के लिए यहाँ से मिलेगी आपको गोंडोला या केबल कार राइड। तो गोंडोला हमारा पूरा भरा हुआ है, तो हम अब लॉटरबरुनन से ऊपर ग्रसचाल के लिए इस गोंडोला राइड में जा रहे हैं। और आपको वो सामने एक वाटरफॉल दिख रहा होगा जो कि लॉटरबरुनन का सबसे फेमस स्पॉट है। और मैं आपको बताऊं, ये जो गोंडोला, ये 5 मिनट्स का राइड है, पर ये एक ही पूरी गोंडोला केबल कार होती है जिसमें लगभग 70 से 80 लोग इजीली आ जाते हैं। तो हम पहुंचेंगे अभी ग्रसचाल, और माउंटेन्स दिखने लग गए हैं हमें स्नो कैप। आइए, तो व्यूअर्स हम लोग ग्रसचाल करके स्टेशन पे आए हैं, एंड नाउ हम है ना यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे मुरैन के लिए। तो अभी यहाँ पे ट्रेन आएगी, और अब आपको दिखाते हैं वो नज़ारा जो यहाँ पे सब लोग देखने के लिए आए हैं। तो ये है ग्रसचाल करके, जो कि 1400 मीटर की ऊंचाई पे, और आप देखिए ये नज़ारा, सी दिस जुंगफ्रो माउंटेन रीजन, इट्स सो ब्यूटीफुल है। आरती आरती वहां खड़ी है, देखा हूं, बहुत जबरदस्त है। तो हम लोग अभी आए हैं यहाँ, यहाँ नीचे ये लॉटरबरुनन विलेज है, और लॉटरबरुनन विलेज से अभी हम सीधा ट्रेन स्टेशन से हमने ग्रसचाल करके है 1486 मीटर पे, यहाँ पे हम ट्रॉली से आए। अब यहाँ से हम मुरैन जाएंगे वाया ट्रेन। तो हम लोगों को ट्रेन अभी मिल गई मुरैन के लिए एकदम से फटाफट, तो हम अभी ट्रेन में बैठ गए। तो आरती, हम लोग अब, ये एक ट्रेन है, सिंगल डब्बे की ट्रेन है आरती, और सिंगल डब्बे की ट्रेन है, 15 मिनट्स में हम मुरैन जाएंगे। तो आपको बता दूं कि लॉटरबरुनन से मुरैन जाने के लिए स्विस पार में पास में कवर्ड रहता है, तो आपको कुछ टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमने वह ना आपको कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, वो है जुंगफ्रो माउंटेन। गया इस तरफ, टर्न हो गया ना।
तो बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है आरती। हाँ तो मुरैन हम अभी पहुंच जाएंगे 15 मिनट्स में, और ये माउंटेन ट्रेन है व्यूअर्स। हाँ तो आप है ना, अगर शिलथोन जाना है तो मुरैन आपका बेस रहता है जहाँ से आप केबल कार करते हैं। तो अभी हम लोग इस व्लॉग में है ना, क्या है कि बहुत भीड़ है हर जगह पे, तो हम लोगों को थोड़ा सा है ना बात करने में भी है ना, मतलब आपको वॉइस थोड़ा वो नहीं होगा, बाकी बहुत सुंदर है ये। हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग आ गए हैं, आपको पीछे अगर दिख रहा होगा मुरैन, तो ये हम इस ट्रेन में आए हैं मुरैन। ये एक ही कोच है पूरा जिससे हम है ना मुरैन आए हैं, और हाँ और लॉटरब्रुनन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ था लॉटरब्रुनन। तो पहले एक है ना 5 मिनट्स लगे हमें एक है ना गंडोला में ऊपर आने, फिर वहाँ से आपको ऐसी है ना ट्रेन मिलती मुरैन आने के लिए। तो शिलथोन जाना हो तो मुरैन आपको आना पड़ेगा, और मुरैन से आपको शिलथोन के लिए गंडोला राइड्स मिलती है, तो आपको मैं दिखा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सारे लोग है ना ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, नीचे से लॉटरब्रुनन से ट्रैकिंग करके मुरैन आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी क्यूट सी ट्रेन है, और इसके ऊपर देखिए आप, सी दिस, ये कितने बड़े माउंटेन्स हैं। ये पूरा जुंगफ्रो रीजन का माउंटेन्स है, हम आपको अभी थोड़ा आगे जाके और दिखाएंगे। और ये मुरैन है, आप देख लीजिए कितना ऊंचा है, 1634 मीटर। ये जो एरिया है यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे 10 मिनट के लिए, और वहाँ पे हमें मिलेगा शिलथोन जाने के लिए टिकट्स। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आपको शिलथोन जाना है तो आप अगर स्विस पास कैरी कर रहे हो तो आपको 50% ही लगेगा, और ये मुरैन तक आपकी पूरी जर्नी स्विस पास तक कवर रहती है। तो हम आराम से अभी आएँ, और मुरैन इज अ कार फ्री टाउन, तो यहाँ पे कोई कार नहीं है, ये माउंटेन विलेज है, और यहाँ से आपको दिखते हैं शानदार नज़ारे। तो अभी हम है ना थोड़ी देर में या 10 मिनट का वॉक करते हुए पूरा आनंद लेंगे इस जगह का। आप देखिए मेरे पीछे क्या शानदार माउंटेन्स है, धूप बहुत एकदम तिखी धूप है, और अच्छा भी लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ठंडा भी लग रहा है, ठंडा भी है और धूप भी अच्छी आ रही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे, लॉटरब्रुनन इस तरफ यहाँ पर है नीचे की तरफ, और हम आपको लौट भी हम लोग वो झरना देखने वो झरना जो है, तो रिटर्न में जब हम आएंगे तो हम है ना दूसरा रूट पकड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर शिलथोन आना है तो आप ये अभी हमारा वाला जो रूट है इससे आप है ना ऊपर आ सकते हो, और हम नीचे जाएंगे स्टेचलबर्ग करके जगह, वहाँ से तो आपको नीचे जाने वाला रूट भी बताएंगे। तो वहाँ स्टेचलबर्ग जो बेस है वहाँ से आप मुरैन आके सीधा शिलथोन जा सकते हैं। तो स्टेचलबर्ग से आप है ना अगर बस से है ना लॉटरब्रुनन जाएंगे तो आपको वो लॉटरब्रुनन के फेमस फॉल्स दिखने वाले। तो चले आरती, चले। तो ये देखिए हम लोग वॉक कर रहे हैं, आरती कैसा लग रहा है, और सामने कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। तो अभी हम देखते हैं मुरैन का स्टेशन किस तरफ है, और कितना सुंदर है पूरा ये, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन। और आप ये माउंटेन को देखिए, कितना बड़ा माउंटेन है आरती, वाह, वादियों को देख के हम बिल्कुल वो हो गए हैं। यहाँ देखिए कुछ कितने शानदार घर हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ होटल्स भी हैं, आप चाहें तो मुरैन में भी रह सकते हैं, यहाँ पे भी स्टे के बहुत ऑप्शंस हैं। और पीछे ये जो माउंटेन रेंज है ना जुंगफ्रो वाली, अल्टीमेट लग रही है आरती, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये घर कितने भी आ रहे हैं यार, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है आरती, बहुत खुश हैं, बहुत मजा आ रहा है, वी आर एंजॉइंग अ लॉट। तो मुरैन के शिलथोन वाले बेस पॉइंट तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट का वॉकिंग बता रहे, पर हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और फुल मजा माहौल। हम आप हमारी चैनल को अगर देख रहे होगे, मतलब इसमें आरती जो है उसने इतना मेहनत करी है, तो स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप में आरती आपको व्लॉग्स बना बना के देगी, और बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। स्विट्ज़रलैंड में आप हमारी इटनरी फॉलो करो तो आपको है ना स्विट्ज़रलैंड एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, इस जगह का कोई मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, जो ये जगह है, क्या जगह है, क्या जगह है आरती। हम रोज एक अलग है ना, वो कहते हैं ना एक ये भी अच्छा लगता, वो भी हमें लगता है नहीं इससे अच्छा क्या होगा, फिर अगले दिन हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं इससे भी ज्यादा अच्छा है। मुझे स्विट्जरलैंड में ये फूल वाली जो है ना आरती, ये फूलों को इस तरीके से रखना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है।
अल्पीना होटल। अरे हमें हाँ, तो ये देखिए नेचुरल वाटर है, आप ये वाटर ले सकते हैं अपनी बोतल में और पानी भी पी सकते हैं। कि ये है लॉटरडूनन वैली और आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पैराग्लाइडर्स उतरते हुए। ये बहुत बड़ी वैली, आपको अंदाज़ा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा बड़ी ये वैली है। और ये देखिए इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये देखिए ये कोई एक और विलेज है और ये पूरी वैली है पहाड़ के बीच में। और यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह पे आरती वहाँ बैठी है, कॉफ़ी पी रही है वो, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। ये देखिए कैसा विलेज है और आरती वहाँ बैठी है। हम कॉफ़ी पीने के लिए इधर रुक गए थे, अभी तक हम ऐसे ही चल रहे हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए आप, इट्स सो ब्यूटीफुल। आरती और हम दोनों अभी कॉफ़ी पीने के बाद चलते चलते ये आए। और ये देखिए आप, यहाँ पे एक है ना चेस बना हुआ है ऐसे खेलने के लिए, देखो तो टू प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं उधर। और ये बहुत ही शांत और मस्त जगह है, आप देखिए ये चेस खेला जा रहा है यहाँ पे दो प्लेयर्स के द्वारा। और आरती क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे ना, शांत एकदम। और मैंने वॉक करने का भी एक अलग ही मजा है टॉबलेरोन। एंड पीपल आर एंजॉइंग। तो अभी हम शिल्थोन कार केबल के जस्ट 5 मिनट्स दूरी पर हैं। कैसा लग रहा है आरती? ऐसे मौसम में और ऐसी जगह पे किसको नहीं अच्छा लगेगा। आई थिंक वो रश केबल कार जाने के लिए यहाँ से, आपको शायद कैमरा में नहीं दिख रही होगी, यहाँ से जाती है केबल लिटरली। आज तो ये मुरेन विलेज और ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए आप, इतना सुंदर कोई विलेज होता है क्या? और ये पहाड़ियाँ तो हमारे साथ साथ ही चल रही हैं, ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से मस्ती में। ये देखिए आप, ये कितना प्यारा लग रहा है और कितना शांत है यहाँ पे। और यहाँ पे आरती कोई इंडियन है ही नहीं, ये सब लोग इंडियंस है ना। मैं एक इंडियन लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज जुंगप्रो जाना बंद करो, वो टॉप ऑफ द यूरोप जुंगप्रो के नाम पे आप अपने पैसे भी खराब करते हो। सही कह रहा हूँ ना? 12,500 रुपये एक आदमी से लेते हो और कोई मतलब नहीं। आप जुंगप्रो में ऊपर जाओगे उससे अच्छा आप उतने पैसों में तुम मेट्रोन और शिल्थोन कर सकते हो। तो सामने हमारा शिल्थोन का केबल कार स्टैंड भी है। तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं, तो अभी हमने शिल्थोन के लिए टिकट्स ले ली जो कि हमें दोनों को स्विस पास था तो हाफ पे मिली 85 स्विस फ्रेंक्स पे। और पीछे की तरफ वो जो टीवी है वहाँ पे, टीवी पे आपको है ना लाइव वेदर दिखेगा। तो हमने पता चल गया कि ऊपर बहुत क्लीन है आज, क्लियर वेदर है। सो आज मज़ा आने वाला है, शिल्थोन जा रहे हैं हम। तो हम मुरेन से 10 मिनट की वॉक करके यहाँ पर आए, यहाँ से अब टिकट लेके हम जा रहे हैं शिल्थोन। तो चले, तो हम लोग अभी जा रहे हैं शिल्थोन केबल कार राइड में। और आप देखिए अब वो खतरनाक वाला व्यू भरा हुआ है थोड़ा सा पीछे, तो आप देखिए अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मुरेन विलेज जिस पे अभी हम चल के आए थे, सामने वही पहाड़ियाँ पूरी और ब्यूटीफुल। अब हम व्यू लेते हुए जा रहे हैं, आप देखिए मेरे पीछे की तरफ भी कैसा है। आरती अब हम लोग हाइट अटेंड करते जा रहे हैं ना, बाप रे कितना। तो हम लोग अभी शिल्थोन पहुंचे नहीं है व्यूअर्स, हम लोग अभी शिल्थोन जाने के बीच में फिर करके एक है ना इसका मिड ओवर स्टॉप आता है वहां पे आए हैं। और आप देखिए यहाँ का कातिलाना व्यू। तो शिल्थोन जो है वो वहाँ उस टॉप पॉइंट पे है, वहाँ हमें जाना है। और अब आप ये ब्यूटीफुल व्यू देखिए, सो इट्स नॉट ब्रिक, ये बर्ग है 2677 मीटर की ऊंचाई पे। तो आरती कैसा सीन है ना, ब्यूटीफुल।
आप ये माउंटेन्स देखिए अब, और यहाँ पे आपका एक है ना स्काईलाइन वॉक है, जो आप चाहें तो ये देखिए आप। ओहो सी दिस व्यूअर्स, और ये हमारे नीचे देखिए आरती, आरती नीचे देखो, नीचे से ऐसी ठंडी हवा, नीचे से हवा आ रही है ठंडी, और ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये देखिए आप, सी दिस थिंग। वो वहां पे मरीन विलेज है, लॉटर नुनन की वैली तो और भी नीचे है, सो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो देखिए एक छोटी सी लेक वहां पे प्यारी सी, ये देखिए क्या माउंटेन्स है, इट्स ब्यूटीफुल। और आरती यहाँ तो ठंड है यार, सी दिस व्यूअर्स। तो ये पूरी है ना क्लिफ है जिसपे आप वॉक कर सकते हैं, ये वाले पे यहाँ पे आने के बाद, इसे क्लिफ वॉक कहते हैं। We are at the top of the mountains. आरती सी दैट थिंग, ये विलेज कितना नीचे है यार आरती, तो देखो वो वहां पे क्लिफ वॉक कर रही है। और शिल्टन तो अभी हमें ऊपर पहुंचना है आरती, तुम्हें पता है ना जो मैंने बताया था अभी, शिल्टन फेमस है क्योंकि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की मूवी का शूट हुआ था, तो उसे बॉन्ड पॉइंट भी कहते हैं शिल्टन को। और यहाँ पे अगर आपको फोटोग्राफर हैं बहुत अच्छे तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त फोटोज ले सकते हैं। सी हाउ मेनी पीपल आर हियर। तो हम लोग अभी बर्ग स्टेशन को छोड़ चुके हैं आप देखिए, और हम उनकी तरफ इस तरफ, तो ये देखिए ये बर्ग स्टेशन था जहाँ पर अभी हम कुछ देर पहले थे, और हम आपको ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स का नजारा दिखा रहे हैं। तो अब हम बर्ग से सीधा, हमारी देखिए ये अभी हमारी गंडोला है जिससे हम ऊपर जा रहे हैं शिल्टन, जो कि और ऊंचा है आरती। बर्ग ही कितना सुंदर था। हम आ चुके हैं टॉप पे शिल्टन के व्यूअर्स, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है, और क्या बताएं आरती ये बहुत अच्छा है। हमने है ना ऐसे ठंड बहुत है पर तब भी हम जैकेट नहीं पहना है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे तब भी आज है ना धूप आ रही है, तो मेट्रोन में तो बहुत ठंडा था, वो ज़्यादा ऊँचा है शिल्टन से। शिल्टन में है ना बहुत कम लोग आते हैं, मैं आपको बता दूँ, आपको ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी द स्काइज। और अब मैं आपको पलट, ये है पूरा शिल्टन देखिए आप, और शिल्टन में जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी, तो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड का देखिए आप एक ऐसा पुतला लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्नो है, और स्नो देखिए कैसे यहाँ से गिर रही है नीचे, तो अगर आपको स्नो का भी आनंद लेना है तो आप ले सकते हैं। और आप पूरा ये देखिए व्यू देखिए आप आरती, इट्स वेरी गुड ना, जहाँ पे देखो वहाँ पे बस है ना व्यू ही व्यू है। ओ वाओ सी, बिर्ग से थोड़ा सा ही ऊंचा है पर ये टॉप पॉइंट है, आपको यहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स, और हम जो आज सुबह हमने जो शुरू की थी उसका माउंटेन्स के हम लगभग बराबर आ गए हैं आरती, बहुत ही खूबसूरत है ना। और ये देखिए इधर सारे माउंटेन्स के इस फोटो में बता रखा है कि कौन कौन से माउंटेन्स यहाँ से दिख रहे हैं हमें, इट्स नाइस। ओहो आरती सिटिंग एरिया भी है यहाँ तो। तो हम हैं 2970 मीटर की ऊंचाई पे, और बहुत ही सुंदर है ये देखिए आप, सी 2970 मीटर स्विस स्काईलाइन। और आप देखिए यहाँ से कितने सारे माउंटेन्स आपको दिखेंगे,
ओ वाओ, हमारे पीछे की तरफ भी लोग जा रहे हैं कहीं, पता नहीं क्या है, मतलब लोगों को से यहाँ पे स्पॉटी स्पॉटी है ट्रैकिंग करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल है यार, और यहाँ पे कम लोग आते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप देखिए माउंटेन्स का, हम बादलों के अंदर हैं और बहुत ऊंचाई पे, 3000 मीटर की ऊंचाई बहुत होती है व्यूअर्स, और हमारे ऊपर बादल आ गया, नहीं तो अभी हमारे ऊपर सूरज भी आ जाता है। आरती लोग अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स, देखिए ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ऊपर थे हम अभी थोड़ी देर पहले इस तरफ, कि हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं क्योंकि सब लोग यहाँ जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो हम यहाँ से 360 डिग्री व्यू लें। और मुझे तो ठंड लगने लग गई थी, इसलिए आरती ने पहन लिया, रिस्क क्यों लेने का बिना बात का, होशियारी के चक्कर में कहीं, इसलिए जा रहे हैं इधर इस जगह पर, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे है ना, जो जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई है तो उसका पूरा यहाँ पे है ना अलग अलग होर्डिंग्स लगा रखे हैं, ये देखिए। वो जा रही है शिल्थोन से नीचे की तरफ गंडोला, और हम आ गए हैं ऊपर, लोग वहां तक भी जा रहे हैं नीचे, देखिए अब। और हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, देखिए अब, तो पहले हम उधर ऊपर की तरफ थे यहाँ पे ऊपर, और अब नीचे आए हैं ऊपर। ट्रैक करना बहुत भारी आरती, जैसे जैसे चढ़ते हैं कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, इधर ही बैठ जाए शांति से, वो पहाड़ी पहाड़ दूर दूर तक। तो ये देखिए हम खड़े हैं यहाँ पर, और ये देखिए आप, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया है, और शिल्थ्रोन में जो जेम्स बॉन्ड की शूट हुई थी उसका यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम टाइप है, ये देखिए आप, यहाँ देखिए सब। क्या है आरती अंदर है सर? ओ मूवी चल रही है क्या? अंधेरा कायम रहे। ओ वाओ, सो दिस इज स्पाई वर्ल्ड बॉन्ड सिनेमा, ये देखिए आप, सी तो ये है एक सिमुलेटर। तो ये पूरा का पूरा आप देखिए, ओहो आरती ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड वर्ल्ड है यार, ये एक सिमुलेटर है देखो, हेलीकॉप्टर चलाने का देखो। तो इस हेलीकॉप्टर में बैठ के आप फील कर सकते हो कि जैसे आप खुद ही हेलीकॉप्टर उतार रहे हो, और इसमें जेम्स बॉन्ड के सारी मूवीज जो हैं उसकी क्लिपिंग्स हैं। यहाँ देखिए आप, बहुत ब्यूटीफुल है ना आरती, ऐसे किसी मूवी का इतना जबरदस्त ऐसा म्यूजियम बनाना बहुत बड़ी बात है। तो हम पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हमें रिटर्न, अब हम जर्नी नीचे के लिए, क्योंकि 3 बजने आ गए हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे वापस नीचे। हम वापस जाएंगे मुरे से सीधा लौटरबुनान इस बार हम जाएंगे, पर कैसे जाएंगे वो थोड़ा बीच में आपको बता देता हूँ। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अच्छा पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिर एग्जिट करते हैं ना आरती।